गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रमुख देश हैं उनको अदर नामों से कैसे जाना जा सकता है, इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो है, पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको नॉलेजबल लगेंगी। तो देखते हैं हम, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। जो बांग्लादेश है उसे हम क्या कहते हैं, नदियों का देश कहते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, जिसे हम सबसे पहले वहां पे सूर्योदय होते हैं तो उसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। किसे, जापान को। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फ्रेंड्स, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो एशिया का जो प्रवेश द्वार है किसे हम कहते हैं, तुर्की को। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं। थाईलैंड को क्या कहा जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़ेद कलर के हाथी मिलते हैं, तो इसलिए हम इसे थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सांप कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में, इसलिए इसे हम सांपों का देश कहते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर झीलें हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। रवांडा को हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इसलिए इस पहाड़ियों का नाम क्या रखा गया है, रवांडा को, तो इसे हम हजार पहाड़ियों का देश कहते हैं। ईरान को आर्यों का देश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी छोटी सी वीडियो, तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फ्रेंड्स।